नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। कौन है पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जिनका नाम लेकर लारे भाशमी ने बस कंडक्टर पर किया जानलेवा हमला। खादिम हुसैन रिजवी को लाहौर की पीर मक्की मस्जिद का इमाम बनाया गया था। वह इस्लामी धर्मशास्त्री अहमद रजा खान बरेलवी के प्रबल अनुयायी थे। अहमद रजा का जन्म बंटवारे से पहले भारत के बरेली में हुआ था। उत्तरकाशी टनल में मशीन का हेड अभी भी फंसा, यह निकलने पर रेट माइनर्स खुदाई शुरू करेंगे। मजदूरों की सेहत पर रोबोट नजर रखेगा। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू टीम ने सोमवार सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल लिए। हालांकि मशीन का 1.9 मीटर का हेड यानी कॉर्क स्क्रू अभी भी मलबे में फंसा हुआ है। राजस्थान में 117 सीटों पर मतदान बढ़ा, 82 पर घटा। वोटिंग पैटर्न ने इशारों में बताए चुनावी नतीजे। कड़े मुकाबले वाली सीटों पर भी उलटफेर। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बड़ा इजाफा हुआ है। 82 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है। बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को बदलाव का प्रतीक माना जाता है। अगर पुराने ट्रेंड को आधार माना जाए तो यह सत्ता में बदलाव का संकेत माना जा सकता है। 5 बूथों के ईवीएम वीवीपैट वोट का मिलान जरूरी। जीत के बाद प्रमाण पत्र पाने उम्मीदवार को 2 घंटे करना होगा इंतजार। रैंडम बेस पर होगा बूथों का चयन। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दौरान जीत की स्थिति का पता उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को भले ही पहले लग जाए, लेकिन काउंटिंग होने के बाद जीते उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र मिलने में 1.5 से 2 घंटे का अधिक समय लगेगा। यह स्थिति चुनाव आयोग द्वारा तय की गई नई व्यवस्था के चलते बनेगी। आयोग ने कहा है, विधानसभा चुनाव के परिणाम का ऐलान कर जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देने के पहले इस बार वीवीपैट की पर्चियों में ईवीएम के मतों का मिलान भी किया जाएगा। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश जारी कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन के बाद ही प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने के लिए कहा है। मतगणना में पहले मिल सकती है मंजूरी। फाइनेंस ने भेजा महंगाई भत्ते की अनुमति का प्रस्ताव, अब चुनाव आयोग का इंतजार। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने मतगणना के 1 सप्ताह पहले चुनाव आयोग को एक बार फिर कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव अनुमति के लिए भेजा है। चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके भुगतान के लिए आदेश जारी कर सकेगा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मतदान में बन सकता है नंबर 1। छिंदवाड़ा में 85 से बढ़कर 86.65% हुआ कुल मतदान। बैलेट पेपर के मतदान के आंकड़ों ने बढ़ाया परसेंटेज। छिंदवाड़ा में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसे में जिले में प्रतिदिन वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी भी हो रही है। दरअसल डाक मतपत्रों के जरिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। मतगणना दिवस के सुबह 7 बजे तक डाक मतपत्रों प्राप्त करने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होना तय है। कांग्रेस आज से मतगणना एजेंट्स को दे रही ट्रेनिंग, बताया कैसे रखनी है निगरानी। काउंटिंग के दौरान अलर्ट रहने विधानसभावार दिया जाएगा प्रशिक्षण। कांग्रेस पार्टी ने 3 दिसंबर यानी मतगणना के दिन के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार से 30 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालय संगठन में विधानसभावार मतगणना एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। आज कोडागांव, जगदलपुर, बेमेतरा, दुर्ग, शहर सारंगढ़, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालयों में मतगणना एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। 27 से 30 नवंबर तक कांग्रेस करवाएगी मतगणना एजेंट्स की ट्रेनिंग। काउंटिंग के दौरान अलर्ट रहने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। कांग्रेस पार्टी ने 3 दिसंबर यानी मतगणना के दिन के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालय संगठन में विधानसभावार मतगणना एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। इसके लिए सभी एजेंट्स को जानकारी भी दे दी गई है। लाइव अपडेट्स। मध्य प्रदेश बालाघाट में ढाबे की दीवार तोड़कर रेलवे की बाउंड्री वॉल में घुसी बस, 35 यात्री घायल। बालाघाट में एक बस ढाबे की दीवार तोड़ते हुए रेलवे की बाउंड्री वॉल में घुस गई। हादसा सोमवार दोपहर सुखरेखा रेलवे फाटक के पहले गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास हुआ। एस कुमार ट्रेवल्स की बस बालाघाट से लांजी की ओर जा रही थी। इसमें 40 यात्री सवार थे। हादसे में करीब 35 यात्रियों को चोटें आई हैं।
बांद्राभान में 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया नर्मदा स्नान। जबलपुर ओंकारेश्वर मंडला समेत सभी घाटों पर जुटे श्रद्धालु किया आचमन। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान में आयोजित मेले में सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान चल रहा है। बारिश और ठंड के बीच सुबह से 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जबलपुर के ग्वारी घाट, बरमान, नरसिंहपुर मंडला और ओंकारेश्वर में भी कार्तिक स्नान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उज्जैन में शिप्रा और मुलताई में ताप्ती सरोवर में भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।